स्वागत है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मैकेनिक जनरल नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम सभी प्रकार की गाड़ियों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और कुछ नई चीज़ें जानते हैं। आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। काम कैसे हुआ? अच्छा हुआ। ये जुगाड़ सही रहता है या नहीं रहता है? सस्ता जुगाड़ है, सही है और मार्केट में मिल भी जाता है। बढ़िया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस रिले के बारे में। ये रिले क्या है और क्या काम करती है? ये रिले फ्लैशर इंडिकेटर रिले है, जिससे गाड़ी के इंडिकेटर चालू होते हैं। ये गाड़ी महिंद्रा की है और इसमें इस प्रकार की रिले लगी हुई है। आपने देखा होगा, बाकी इंडिकेटर के लिए सभी गाड़ियों में फ्लैशर आती थी और अशोक लीलैंड 49-23 में भी फ्लैशर को हटा दिया गया है। वहाँ पर डायरेक्ट ही ईसीयू से कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे इसमें कुछ इस प्रकार की रिले लगाई गई है। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रही है, इस वजह से इसमें इंडिकेटर चालू नहीं हो रहे हैं और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। ये कंपनी में मिलती है और इसे हम हटा के इसमें सादी फ्लैशर लगाने वाले हैं। ये सॉकेट है फ्लैशर रिले का, इसे हम काटेंगे नहीं, इसके वायरों के कट लगाएंगे, ताकि कभी हम इसमें फ्लैशर रिले डालें तो लग जाए। इसमें हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कौन सा वायर कहाँ का है और कौन सा वायर किस में जोड़ना है। इसमें 6 वायर हैं, 6 वायर के हल्के हल्के से कट लगाना पड़ेगा हमें। कट लगाने के बाद हम जान लेते हैं कौन सा वायर किसका है। ये हमारे लेफ्ट साइड का इंडिकेटर वायर है, ब्लैक में वाइट धारी, और हमारे राइट साइड का इंडिकेटर है ब्लैक में ग्रीन धारी। इसमें दोनों वायर अलग अलग साइड के आ रहे हैं इंडिकेटर के। इसके बाद इसी के ऊपर जो रेड में ग्रीन धारी है कॉम्बिनेशन स्विच से आ रहे हैं, और ब्लैक में रेड धारी कॉम्बिनेशन स्विच से आ रहा है, और ये वायर इसमें कुछ काम का नहीं है। ये दो वायर इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन स्विच से आ रहे हैं, इनमें अर्थिंग आएगा और चारों वायर हो चुके हैं हमारे, और ये वायर हमारे इग्निशन ऑन का मेन सप्लाई करंट का। इसके लिए 2 होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें इसमें 2 फ्लैशर सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 1 फ्लैशर सेट नहीं होगी। ये थोड़ा सी वायरिंग इसकी अलग है। अभी ये फ्लैशर है तो यहाँ पे प्लस जो कि बैटरी का करंट है, और ये दोनों करंट के वायर हैं, और ई वाला जो है वो अर्थिंग का वायर है, यानी कि चाबी इग्निशन ऑन होने से करंट आने पर इस पे जोड़ना है इन दोनों पे, और बैटरी का अर्थिंग जो बॉडी से कहीं से भी ले सकते हैं वो इन दोनों पर। और यहाँ पर जो वायर लगेंगे हमारे कॉम्बिनेशन स्विच से ऑन ऑफ, जैसे हम इंडिकेटर चालू करते हैं वो वायर यहाँ पर लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा कनेक्शन अलग होगा, ठीक है, वो बताएंगे हम। अभी प्लस से प्लस का दोनों तारों को हमें एक साथ जोड़ना पड़ेगा, दोनों में एक साथ करंट देना पड़ेगा। और इसमें करंट आ रहा है, ये वायर मैंने बताया आपको, इसमें करंट आ रहा है, तो बस इसी में जोड़ेंगे। इग्निशन ऑन का करंट है, थोड़ा सा सही, ज़्यादा वायर हो रहा है तो कम करने पड़ेंगे।
जहाँ पे कट लगाया है वहीं पे जोड़ना है, पिलार से बढ़िया टाइट करना है। चाहे तो आप टेप लगा सकते हैं, लेकिन एक बार चेक करके फिर टेप लगाएंगे तो सही रहेगा। अब हमारे इसमें दो दो तार दोनों में बच रहे हैं, जो कि एक अर्थिंग का है, दोनों ये अर्थिंग के हैं और दोनों लाइटों के हैं, इंडिकेटर लाइटों के। तो अभी हमें ये लाइट का वायर इसमें जोड़ना है, इंडिकेटर में जोड़ना है, जो कि लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है। ये दूसरी वाली डब्बी में दूसरे साइड का इंडिकेटर जोड़ना है, जो कि राइट साइड का है। ठीक है दोस्तों, अब जो कॉम्बिनेशन स्विच से जो सप्लाई आ रही है ना दोस्तों, वो अर्थिंग आ रही है, जो बॉडी का अर्थिंग होता है वही आ रही है। जैसे अभी चाबी ऑन करना, इंडिकेटर चालू तो करना। जैसे अभी हम ये ड्रावर साइड का इंडिकेटर का वायर जुड़ा है इस डब्बी में, तो अभी इसको हम चलाएंगे, यहाँ से अर्थिंग देंगे तो ये इंडिकेटर चालू हो गया डायरेक्टली। और इसका चलाएंगे लेफ्ट साइड का, यहाँ से चालू हो गया। ये अर्थिंग का है, दोनों में अर्थिंग, अगर अपन साथ में लगाएंगे चारों एक साथ चलेंगे। तो अभी जो कॉम्बिनेशन स्विच से अर्थिंग आ रहा है इन वायरों में, तो इनमें इनको जोड़ना है अपने को। एक तो इसमें अर्थिंग आ रहा है, ये वायर है गाइस, ये थोड़ा सा अलग वायर आ गया, ये इसमें जोड़ना है। ये वायर, ये वाला ध्यान रखना है थोड़ा सा, हमारे राइट साइड का वायर ये ब्लैक में रेड धारी आ रही है, ये नहीं है। अब इसको हम टेप करेंगे बड़े वाली, इंडिकेटर चालू हो गया है। काटनी पड़ेगी आपको, सिंगल नहीं लगा सकते। और ये सॉकेट अब काटा नहीं है, ताकि दोबारा कभी हम इस तरीके की डब्बी लगाएं तो आराम से लग जाएगा। छोटा स्क्रू नहीं है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसे टैप कर देंगे, ताकि ये नीचे नहीं लटके। हम अंदर से मीटर बोर्ड से चला के बताएंगे, डैशबोर्ड से कॉम्बिनेशन स्विच से, वहाँ से चला के बताएंगे। ये हमारा इसका क्लस्टर मीटर बोर्ड है डिजिटल, और ये इसका कॉम्बिनेशन स्विच। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर बोर्ड के अंदर इंडिकेटर चालू हो गया है, ये हमारा इंडिकेटर आप देख सकते हैं चल गया है। और ये लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड में इसके अंदर रिवर्स हॉर्न सेट किया हुआ है, टीटी हॉर्न। एक बार हम इसके फोर इंडिकेटर स्विच भी चालू करके देंगे कि वो चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे ये फोर इंडिकेटर, गाइस फोर इंडिकेटर भी इसमें चल गए हैं। तो अभी हम गाड़ी वाले से बात करेंगे, इनका क्या ओपिनियन है। हाँ तो आप बताइए, कैसे काम कैसे हुआ? अच्छा हुआ, ये जुगाड़ सही रहता है या नहीं रहता है? सस्ता जुगाड़ है, सही है, और मार्केट में मिल भी जाता है। बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक।
तो इनका यही कहना है कि ये इससे कोई नुकसान नहीं है, ऐसा आप करवा सकते हैं।